8 सितंबर की रात कानपुर में अनवरगंज कासगंज रूट पर कालिंदी एक्सप्रेस से सिलेंडर टकराया था। ट्रक से पेट्रोल बम और बारूद भी बरामद हुआ। जांच एजेंसियों को जांच में जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक कालिंदी एक्सप्रेस को बर्निंग ट्रेन बनाने की साजिश थी। आईबी, एटीएस और एनआईए इस केस की जांच कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये 4-5 लोगों की साजिश हो सकती है। कानपुर, कन्नौज, उन्नाव, औरैया, हरदोई की टीमों को एक्टिव किया गया है। देखा जा रहा है कि आसपास के गांव से पिछले 24 घंटे में कोई गायब तो नहीं हुआ है। अगर गायब हुआ है तो उनकी पहचान क्या है। एटीएस की जांच में ट्रैक पर सिर्फ सिलेंडर पेट्रोल बम ही नहीं मिला, बर्राजपुर स्टेशन की तरफ करीब 20 मीटर तक पेट्रोल छिड़कने के निशान भी मिले हैं। ट्रैक के बीच सिलेंडर रखा गया था। ट्रैक से सटाकर रखी कांच की बोतल में पेट्रोल था, उसमें एक बत्ती लगी हुई थी। एक झोले में ट्रैक किनारे बारूद रखा गया था। साजिश ये थी कि बर्राजपुर और बिल्होर के बीच 100 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से दौड़ रही कालिंदी एक्सप्रेस सिलेंडर से टकराएगी तो धमाका होगा। गैस रिसाव के साथ इंजन आग की चपेट में आएगा। टक्कर के बाद ट्रेन को पूरी तरह से रुकने में टाइम लगेगा, तब तक आग डिब्बों तक फैल जाएगी। हादसे को बड़ा बनाने के लिए पटरी के बगल में बारूद भी रखा गया था। अब इस मामले में रेलवे के एडीजी ने सहारा समय संवाददाता से बातचीत की और इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। सहारा समय की टीम इस वक्त खड़ी हुई है उस क्राइम स्पॉट पर जहां पर यहां से गुजरने वाली कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की यहां पर कोशिश की गई। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो यहां का जो क्राइम सीन है वो दिखाए। यही वो क्राइम सीन है जहां पर आप देख सकते हैं कि इसको पूरा क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस कह के यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया। इसी जगह पर, इसी रेलवे ट्रैक पर वो जो भरा हुआ सिलेंडर था वो यहाँ पर रखा गया था, जिसमें एक पूरा ज्वलनशील एक बड़ी ब्लास्ट की साजिश थी। और यहीं पे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं, ये वो स्थान है, ये वो जगह है। इस जगह पर ही जब वो पटरी पर, जैसे पीछे आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ट्रेन दिखाएं, इसी तरह से ट्रेन यहाँ पर आ रही थी और आगे ट्रेन के पास यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ था। पूरी जो साजिश थी यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि ठीक इसी तरह से क्राइम सीन को यहाँ पर लोग किस तरह से पकड़े हुए हैं। जब ये ट्रेन की जो स्पीड है काफी ज्यादा तेज नजर आ रही, लेकिन जब वो कालिंदी एक्सप्रेस यहाँ से गुजर रही थी तो उस ट्रेन की स्पीड लगभग 80 से 100 के आसपास थी। और वहां से जो सिलेंडर था, जब वो जो इमरजेंसी ब्रेक थी लगने के बाद भी वहां से जो सिलेंडर था वो इस क्राइम स्पॉट पर, ये जो क्राइम सीन है, यहाँ पर आकर गिरा था। इसके थोड़े ही अगर आगे की बात करें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पर क्योंकि लाइव ट्रैक है, ये चलता हुआ ट्रैक है, इसी से थोड़े ही अगर आगे बात करी जाए तो यहाँ पर कुछ मिठाई के डिब्बे मिले थे जो कन्नौज की एक शॉप बताई जा रही वहां से खरीदे गए थे। और मिठाई के डिब्बों में बारूद जो है वो वहां पर मौजूद था। साथ ही साथ कुछ थोड़ी थोड़ी दूर पर वहां पर बारूद के छिड़काव भी पाए गए हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए तो कुछ पेट्रोल बम भी थे यहाँ पर, तो पेट्रोल जो भरा हुआ था शीशियों में, कांच की शीशियों में, वो भी यहाँ पर थे। तो साफ है इस दौरान यहाँ पर लगभग 6 जो टीमें हैं एनआईए के साथ साथ जो भी बड़ी टीमें हैं, जांच टीमें हैं, वो यहाँ पर लगातार जांच कर रही है। उसमें ये साफ निकल कर आया है कि जो ये साजिश है इसमें किसी तरह से इनकार नहीं किया जाता कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्रयास किया गया था। फिलहाल इस क्राइम सीन को पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। आसपास के जो गांव हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं उनसे हमने जब बात किया तो उन्होंने ये बताया कि इस गाँव में कई जमाती भी यहाँ पर रहते हैं जो शक के दायरे में लिए गए हैं। लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर पुलिस की टीमों ने पूछताछ के लिए किया गया है। सभी बड़े अधिकारी लगातार इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब एनआईए ने भी यहां पर डेरा डाल दिया है। तो कह सकते हैं कि इस कालिंदी एक्सप्रेस को द बर्निंग ट्रेन बनाने का जिस तरह से प्रयास किया गया वो एक लोको पायलट की सूझबूझ से फिलहाल विफल नजर आ रहा है। और उसके बाद जांच एजेंसियां बहुत ही मुस्तैदी से इस पूरे प्रकरण की छानबीन कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या इस पूरे प्रकरण पर निकल कर सामने आता है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद त्रिपाठी के साथ सहारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव। सतर्कता बरत रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो विभिन्न इकाई है, एटीएस, एसटीएफ, सिविल पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ, ये सभी लोग द्वारा मौका मुआयना किया जा चुका है और हम एक रणनीति बना के इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही गंभीर घटना है। रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा,
और रेलवे की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसमें सरकार गंभीर है, उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर है। इसी बात को लेकर हम एक रणनीति बना के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश होगा। मैं आप लोगों के जरिए भी मैं आम जनता से अनुरोध करता हूँ, इस घटना के संबंध में कोई भी सूचना देना चाहेगा, उत्तर प्रदेश जीआरपी की जो कंट्रोल रूम नंबर है 94-54-40-25-44 9454-02544, इसमें आप सूचना दे सकते हैं। आपके सूचना गोपनीय रखा जाएगा, जो लाभभद्र सूचना देगा उनको हम पुरस्कार भी देने के लिए तैयार हैं। सर, जिस तरह की घटना हुआ है, आपको लगता है सोची समझी अरेस्ट किया जा चुका है? ये जिस प्रकार की जो सामान मिली है, जिस प्रकार की घटना है, तो ये गंभीरता को दर्शाता है। देश दुनिया के ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे समय डिजिटल।